प्रदेश के इन जिले वासियों को सीएम बघेल ने दिए कई विकास कार्यों की सौगात। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कुम्हारी में 174 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के 19 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इनमें 45 करोड़ 44 लाख 66 हजार रुपए के 10 विकास कार्यों का लोकार्पण व 129 करोड़ रुपए से अधिक के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने जिन नए कार्यों का लोकार्पण किया उनमें मुख्य रूप से 26 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत बड़ा तालाब कुम्हारी का सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हैं। वहीं 1 करोड़ 8 लाख 91 हजार रुपए की लागत से जंजगिरी चौक से टोल प्लाजा तक म्यूरल आर्ट लेड स्केपिंग एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्य भी शामिल है। इसी बीच 35 लाख 47 हजार रुपए की लागत से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य है। वहीं 50-50 लाख रुपए की लागत से महामाया उद्यान में अतिरिक्त विकास कार्य एवं मंदिर परिसर में डोम निर्माण कार्य है। इसी बीच बता दें कि 31 लाख 9 हजार रुपए की लागत से गुगदा में उद्यान निर्माण कार्य भी शामिल है। वहीं 19 लाख 50 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 14 में प्रेस क्लब के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। इनके अलावा 88 लाख 52 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 12 व 16 में विभिन्न विकास कार्य एवं 14 करोड़ 10 लाख 55 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। इसी बीच बात करें भूमि पूजन की तो उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 9 कार्यों का भूमि पूजन किया गया जिसमें अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय योजना हेतु 124 करोड़ 4 लाख बीटी रोड बाइंडिंग कार्य हेतु 3 करोड़ 31 लाख 52 हजार वार्ड क्रमांक 17 19 23 एवं 24 में पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य हेतु 49 लाख 31 हजार परसदा कुगदा एवं जंजगिरी गौठान में कंपोस्टिंग सेट निर्माण हेतु प्रत्येक गौठान के लिए 12 लाख 38 हजार के अलावा और कई कार्य शामिल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।